strengthening integrity in civil service. ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है हाउ वुड यू स्ट्रेंथन द व्हाट गिव सम मेजर्स टू स्ट्रेंथन इंटीग्रिटी इन सिविल सर्विस. ठीक है, तो स्ट्रेंथनिंग इंटीग्रिटी इन सिविल सर्विस, पहले तो देखो इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी सब कहे, इंटीग्रिटी दिखाए ना कोई. ठीक है, ये लिखना नहीं है. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट प्लेसिंग इंटीग्रिटी ऑन द एजेंडा, प्लेसिंग इंटीग्रिटी ऑन द एजेंडा. अब मान लो लास्ट टाइम भी, देखो छोटा सा एग्जांपल, लास्ट एवरी टाइम आई गिव द एजेंडा ऑफ द क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, प्रोबेबली वी मे माइट नॉट एबल टू कवर फ्यू थिंग्स बिकॉज कहीं डिस्कशन ज्यादा हो गया, कहीं पे डाउट्स ज्यादा ले लिए, कहीं पे कुछ हो गया, राइट. तो लास्ट टाइम भी एजेंडा में हमने लिखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट, बट वी डिड नॉट गेट टाइम. सो एटलीस्ट इट वॉज इन आर माइंड दैट वी हैव टू डिस्कस इट. सो आज भी हमने लिखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अब मान लो अगर आज भी टाइम नहीं मिलता है, कल भी हम लिखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो एटलीस्ट एजेंडा में तो है, नो डाउट इट इज गेटिंग डिलेड बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, बट एटलीस्ट इट इज इन द एजेंडा. अब मान लो लिखा ही नहीं वहां पे, तो मैं डिस्कस करूं या नहीं करूं कोई फर्क नहीं पड़ता. आर यू गेटिंग? सो एटलीस्ट इट शुड बी एट द लेवल ऑफ डिस्कशंस, राइट. एंड टू बी फ्रैंक, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट फ्रॉम द हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल, right? If we are discussing integrity, then perhaps it may help you to get some concepts clear and help you in getting selected in the civil services, because of the out of the clarity of the concepts and few good things you may get selected, but at least kuch na kuch to seekhoge, so you will spread the good things. Now imagine a person who is never ever getting in his life an experience ki what is integrity, hame kyun right behavior show karna chahiye, why there is a need to act righteously. To usko jab kuch pata hi nahi hai, how can we expect them to act rightly even if they act badly, because dekho nobody knows by birth what is good and what is bad, right? The society tells them, the family tells them, and teacher like me tells them. Chalo then, placing integrity on the agenda, right? Iska ek line ye bhi likh lo, anti-corruption issues and moral lapses, anti-corruption issues and moral lapses must be placed high on agenda, must be placed, anti-corruption issues and moral lapses must be placed high on agenda to increase public, होगा क्या उससे public trust बढ़ेगा. देखो कि at least ये discussion तो कर रहे हैं, चलो कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा. अब सोसाइटी में हंगामा हो रहा है कि हर कोई करप्ट है, हर कोई कुछ नहीं रहा, डिस्कशन भी नहीं हो रहा, तो क्या बढ़ेगा? पब्लिक डिस्ट्रस्ट, राइट. क्या बढ़ेगा? ट्रस्ट डेफिसिट. और अदरवाइज क्या बढ़ेगा? पब्लिक ट्रस्ट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो क्या होगा? There would be a working relationship between administration and public. इससे क्या होगा? There would be effective policy implementation. क्यों? क्योंकि पूरा public support करेगी government को in their day-to-day work. Right? So it is a chain. एक चीज करी, consequent steps होते रहेंगे अपने आप. इसमें जैसे कि तुम्हें बताया था प्लेसिंग इंटीग्रिटी हाई ऑन एजेंडा, अ वेरी गुड इनिशिएटिव वाज टेकन बाय सेंट्रल विजिलेंस कमीशन
at least they made divisional vigilance board, right, at divisional level to discuss what moral lapses, right, or deviance from the integrity, issues of deviance from the integrity. तो लोएस्ट लेवल पे भी डिस्कस हो रहा है, हाईएस्ट लेवल पे भी डिस्कस हो रहा है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, राइट? तो ये एग्जांपल दिया जा सकता है. पब्लिक ट्रस्ट, सिमरन जस्ट अ सेकेंड, आफ्टर पब्लिक ट्रस्ट आई सेड अगर पब्लिक ट्रस्ट बढ़ेगा तो पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. ओके, पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, देयर वुड बी अ good working relationship between administration and the public. जो district administration है, block administration है, lowest level of administration है, उसका और public का एक working relationship सामने आएगा. अगर working relationship अच्छा होगा तो effective policy implementation हो पाएगा. अगर effective policy implementation हो गया, we would be able to meet the what? Cherished principles of our constitution, that is public welfare, a welfare state. ठीक है, इसके बाद आएगा second में, you can write ensuring high standards of conduct among the top personnel, ensuring high standards of conduct among the top personnel, that is हाइफन करके रोल ऑफ लीडरशिप. इसमें यू कैन राइट टू लाइंस, फिर लेटर ऑन आई एम ऑल्दो सेल्फ एविडेंट चीजें हैं बट स्टिल आई एम गिविंग यू टू और थ्री लाइंस सो दैट यू कैन यूज इट समवेयर एल्स. एथिकल एंड मॉरल लीडरशिप influences the consciousness and behavior, of the individuals in the organization. अब जब individuals की बात हो रही है ना, right? Individual 1, 2, 3 and individual is it will be equal to integrity of institution, right? So institutional integrity is the summation of the integrity of the individuals working there. एक concept ये भी है. तो कहीं पे अगर मान लो तुमने ऐसे लिख दिया तो ये भी चीज बताता है at least that you have you know things one step ahead. कोई सिर्फ इतना लिख देगा institutional integrity, तुम दिखा दोगे कि institutional integrity को mathematically ऐसे भी दिखा सकते हैं simple way में, right? Then third point is that you have to make the role of leadership का एक example I will give you, although examples हैं, राजू रामालिंगम वगैरह के examples हैं, ठीक है, टी एन सेशन का एग्जाम्पल है, एनरॉन का एग्जाम्पल पता है तुम लोग को, द वॉल स्ट्रीट डार्लिंग. ओके, चलो वी विल डिस्कस, डोंट वरी. ठीक है, थर्ड पॉइंट इज मेकिंग कंडीशंस ऑफ सर्विस अट्रैक्टिव. एटलीस्ट केंद्र विद्यालय वगैरह हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भाई जो लोअर ह्यूमन रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन में या लोअर जो पर्सोनेल है, राइट, गवर्नमेंट ऑफिसेस में, उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट देने चाहिए. क्योंकि देखो पेटी करप्शन भी एक बहुत बड़ा करप्शन है अपने आप में, ठीक है ना, एज वी से नो कि करप्शन एट हायर लेवल्स हैज विंग्स, राइट? तो हायर लेवल्स पे तो क्या है, करप्शन होता है, बड़ा करप्शन होता है, इट इज स्पीड मनी, द करप्शन हैज विंग्स, तो वो सीधे सेफ हेवेंस में चला जाता है. लेकिन करप्शन ऑन द ग्राउंड
किस टाइप का है? 100 रुपए के लिए यू आर गोइंग, पुलिस ने पकड़ लिया, 100 रुपए पकड़ा, छूट गए, राइट? 200 रुपए के लिए, ठीक है? छोटे छोटे चीजें हैं, तुम पटवारी के पास गए, कोई काम नहीं हो रहा है, तुमने 500 रुपए पकड़ाए, काम हो गया, लैंड रिकॉर्ड चेंज करवाने, 5000 पकड़ाए, काम हो गया, राइट? तो पेटी करप्शन भी है, तो इसलिए, और वहां पे करप्शन क्यों है देखो, क्योंकि एट टाइम्स क्या होता है, ऑल्दो सर्विस कंडीशन हैव इंप्रूव्ड अ लॉट, बट स्टिल देयर इज लॉट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन. तो उन लोगों के लिए मान लो तुमने यू आर मेकिंग द प्रोविजन ऑफ गुड एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, राइट? कि उनका फीस माफ कर दिया, ये कर दिया. सो इफ एवरीथिंग वुड बी टेकन केयर ऑफ, देन द पीपल वुड बी नॉन करप्ट, राइट? लेकिन अब मान लो भाई किसी के 3 बच्चे हैं, तीनों की फीस जा रही है, पैसे हैं नहीं, तो क्या करेगा? वो करप्शन ही कर लेगा. यही चीजें होती हैं, राइट? फिर हमने देखा था कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हैं. सो सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, यू कैन राइट दिस पॉइंट. देन क्रिएशन ऑफ अ हेल्दी पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट इफेक्ट्स, इल इफेक्ट्स ऑफ करप्शन. Then we cannot have one-size-fits-all approach. One-size-fits-all approach नहीं होना चाहिए. देखो कुछ ऐसे लोग हैं, they may require punishment, some may require reprimand, right? और कुछ को तुम अगर सिर्फ comforting words बता दोगे, right? उनको अच्छे से समझा दिया, emotionally connect हो गए, they may change their course of action in future, right? तो इसीलिए कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ द ऑफिसर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो हाउ टू डील विद डिफरेंटली विद डिफरेंट पीपल, ओके? एंड देन लास्टली प्रमोटिंग राइट बिहेवियर एंड लिमिटिंग रॉन्ग बिहेवियर, नॉट हैविंग वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच. देन लास्ट पॉइंट, प्रमोटिंग राइट बिहेवियर एंड लिमिटिंग रॉन्ग बिहेवियर, राइट? वन साइज फिट्स ऑल क्यों कहा था? देखो हमने, मान लो अगर वहां पे वीके सिंह का फर्स्ट टाइम वो होता ऑफेंडर, राइट? तो एम्पैथेटिक अप्रोच लिया जा सकता था, बट ही वॉज रिपीटेड ऑफेंडर. एक बार अगर गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस होने के बाद, राइट, इफ यू आर नॉट mending your behavior, then it shows that come what may, you will not change. All, we are almost done with integrity and you have too much of things in integrity now. You can also write an essay on integrity. So much of material we have shared. ठीक है, एक concept और कर लेते हैं related to integrity, जो normally तुम लोग को नहीं मिलेगा. Integritism. Integritism. What is this integritism? Any one of you knows it? Any one of you? Ideology, that is okay. Not culture of integrity. Perhaps it is about overdoing integrity. Overdoing integrity, generalizing beyond reason.